सो गाइज, नाइट फोटोग्राफी में 200 ही मार्क टू। सो गाइज, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा गया है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने नाइट फोटोग्राफी की 200 ही मार्क टू के साथ, क्या मेरी कैमरा सेटिंग्स थी, ठीक है। सो मैंने एक आधा प्रॉप भी यूज़ किया है, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके अलावा मैंने लॉन्ग एक्सपोजर भी क्लिक किया है, सो जिससे आपको आइडिया मिल सकता है कि आप बिल्कुल लाइक नाइट में कैसे, पोर्ट्रेट्स के अलावा भी अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर भी करना चाहते हैं, सो वो भी मैंने इस वीडियो में कवर अप किया है। तो गाइज, पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी इसके ऊपर, वो बनाई थी कि 200D मार्क टू के लिए बेस्ट लेंसेज कौन से हैं, का यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो सेकंड मैंने वीडियो बनाई अभी, आप आउटडोर शूट कैसे कर सकते हैं 200D और 200D मार्क टू के साथ, उसके लिए भी मैंने यहाँ आई बटन में वीडियो अगेन लाइक मैं दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में तो पक्का दे ही दूंगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो गाइज, लाइव फील्ड में जाने से पहले मैं आपको कैमरा सेटिंग्स यहीं पे बताना चाहूँगा कि आपने किन बातों का ध्यान रखना है, कि आपने कौन सी ऐसी कैमरा सेटिंग्स रखनी है जो कि आपकी लाइक फ़ोटो में शेक या ग्रेन, सो आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है अपनी फ़ोटो से जब भी आप नाइट में फोटोग्राफी कर रहे हो। सो गाइज, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, जब भी आप नाइट में फ़ोटोशूट करें, सो आपके पास अगर लेंस में, अगर आपके लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, क्या जैसे कि मैंने इसमें 50mm यूज़ किया है इस फ़ोटोशूट में नाइट में, सो मैंने उसको ट्राईपॉड पर रख के किया है, ठीक है। अगर मेरे पास इमेज स्टेबलाइजेशन होता उस लेंस में, सो मैं उसको हैंड हेल्ड भी यूज़ कर सकता था। नो डाउट आप हैंड हेल्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ट्राईपॉड या मोनोपॉड नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी जो सेटिंग्स हैं वो बहुत मैटर करेंगी। तो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं शटर स्पीड की, कि आपकी शटर स्पीड मिनिमम टू मिनिमम, सबसे कम शटर स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए। स्पीड की मैं बात करूँ तो वो आपकी 100 होनी चाहिए, 1/100 से नीचे आप नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है कि वो 30 या 40 की स्पीड आपको बता देते हैं कि हाँ आप उस पर शूट कीजिए, लेकिन मैं एक बात की गारंटी देने को तैयार हूँ कि अगर आप उस पर शूट करेंगे तो चाहे आप जितने मर्जी, अगर आपने ट्राईपॉड भी रखा है, सो मेरा तो, मेरे को तो ये लगता है कि वो फ़ोटो आपकी डेफिनेटली शेक ही होगी, क्योंकि जब भी आपकी 100 से कम स्पीड आती है, ठीक है, सो उसमें क्या रहेगा कि आपका अगर सब्जेक्ट लाइक ऐसे जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है, और अगर मैं हल्का सा भी लाइक मूव हुआ या कुछ भी इधर उधर या कैसे भी मैंने कुछ किया, सो उसमें आपका सब्जेक्ट शेक हो जाएगा अगर आपकी स्पीड 100 से कम है। सो गाइज, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर, वो है अपर्चर। सो गाइज, अपर्चर भी आपने कम से कम यूज़ करना है। अगर आप 50mm यूज़ कर रहे हैं 1.8, तो आप 1.8 पे शूट कर सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है, आपका जो फोकस पॉइंट है, वो बिल्कुल उसकी आँख पे होना चाहिए। आपका फोकस पॉइंट यहाँ वहाँ आप सेलेक्ट ना कीजिए। सो उसे क्या होगा कि सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह पे ही फोकस रहेगा और आपके सब्जेक्ट का फेस आउट ऑफ फोकस हो सकता है। और गाइस, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग जो है ISO। तो गाइस, इसमें आपने ISO जितना भी खोलेंगे ISO, ठीक है, आप 1600 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो थोड़े प्रोफेशनल कैमरास होते हैं उसमें 1600 के बाद 2000 का भी ऑप्शन होता है, 2500 का भी होता है, फिर जाके 3000 या 3200 का होता है। लेकिन 200D मार्क टू में क्या है कि इसमें सीधा अगर आप 1600 पर हैं, ठीक है, 1600 से आप सीधा जंप करते हैं 3200 के ऊपर, और जो 3200 इस कैटेगरी में क्रॉप सेंसर मिलेगा, अगर आप 3200 ISO यूज़ कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपकी फ़ोटोज़ में ग्रेन्स आने वाले हैं, आपकी फ़ोटो ख़राब आ सकती है उससे, उसमें ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होंगे, सो उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी आप ISO यूज़ करें, मैक्स टू मैक्स आपने 1600 ही रखना है। सो गाइज, लाइव फील्ड में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको नाइट फोटोग्राफी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने कैमरा सेटिंग्स आपको बता दी। सो गाइज, अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट टिप के ऊपर जो है। सो गाइज, जब भी आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हो, आप मेक श्योर एक बात का ध्यान रखें, आप अपने साथ एक एक्सटर्नल लाइट हमेशा ही कैरी करें। एक्सटर्नल लाइट कोई भी हो सकती है, चाहे वो कोई एक LED लाइट हो सकती है जो कि मैंने यूज़ की है इसमें, ठीक है, या वो एक फ्लैश भी हो सकती है, ठीक है, आप फ्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है या आपका बजट नहीं है इतना कि आप ये लाइक कैरी कर पाएँ, सो इसके अलावा गाइस एक और ऑप्शन है मेरे पास, वो है ये एक टॉर्च। फिर जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो टॉर्च है, ठीक है, ये यहाँ से तो लाइट चलती ही है। इसका एक बेनिफिट ये कि ये यहाँ से काफ़ी आपको लाइट दे देती है, ठीक है, जो कि आप अपने सब्जेक्ट के फेस के पास अगर ऐसे रखेंगे, सो आपको काफ़ी लाइट मिल जाएगी। सो
तो जैसे कि आपको पता है कि एलईडी लाइट थोड़ा सा कॉस्टली आती है, 2,000 के आसपास। फ्लैश भी इसके आसपास ही आती है, लाइक एलईडी लाइट में इसकी बात कर रहा हूँ। तो आप ये लाइक 200-300 रुपये में आप परचेज़ कर सकते हैं, मार्केट से कहीं से भी आपको मिल जाएगी। सो गाइज, अगर मुझे कोई इसका ऑनलाइन लिंक मिलता है अमेज़ॉन पे, तो मैं वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो चलते हैं गाइज सीधा, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा लाइव टेस्ट में। तो गाइस ये है हमारी लोकेशन। सो यहाँ पे हम शूट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स है और फ्रंट में कोई लाइट नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सर्च लाइट यूज़ की है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है सर। सो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत अंधेरा है। सो अब चलिए अब हम ऑन करते हैं अपनी एलईडी लाइट और लेते हैं कुछ शॉट्स। सो गाइस अब मैं यहाँ पे शॉट लूंगा, पहले तो विदाउट लाइट की, विदाउट लाइट शॉट आया है, और उसके बाद मैं वही शॉट विद लाइट लूंगा कि एलईडी लाइट के साथ वो शॉट कैसा आया है। आप दोनों में गाइस कंपैरिजन देख सकते हैं। तो गाइस अब हमने थोड़ी सी लोकेशन चेंज की है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट की लेफ्ट हैंड साइड से ही थोड़ी सी लाइट आ रही है। तो अभी एक मैं विदाउट लाइट शॉट लेता हूँ। सो गाइज़, यहाँ मैं विदाउट लाइट शॉट इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि क्योंकि जो मेरी मैक सेटिंग है, जो हमने एक नाइट फोटोग्राफी के दौरान हमने अपने कैमरा में रखनी है, वो है कि हमने 1600 ISO रखना है, ठीक है। और अपर्चर हमारा 1.8 होगा और स्पीड हमारी 100 होगी। सेटिंग पे रख के भी अगर आपकी फ़ोटो अंडर आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको एक्सटर्नल लाइट चाहिए ही चाहिए। और अगर इसके अलावा अगर आप कुछ भी सेटिंग में छेड़ते हैं, स्पीड अपनी 50 या 60 रखेंगे और आप एक पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो पूरा शेक हो जाएगा। और जब भी आप ISO अपना 1600 से ऊपर लेके जाएंगे, सो आपकी फोटोज में ग्रेन्स आएंगे। सो इसीलिए आप हमेशा नाइट में एक्सटर्नल लाइट यूज करिए ही करिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइट के साथ कैसा शॉट आया है। सो गाइस, हम थोड़ा सा और मूव कर रहे हैं, हल्का सा साइड में आके। जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर एक स्ट्रीट लाइट है, ठीक है। अब मैं इसको एज अ बैक लाइट यूज़ करूँगा अपने इस वाले शॉट में, और फ्रंट में जो मैं एक्सटर्नल लाइट लाया हूँ मैं उसका यूज़ करके कुछ पोर्ट्रेट्स आपको दिखाऊँगा। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं ये फोटो आउट ऑफ फोकस है। अभी आप अगेंस्ट द लाइट शूट करें, सो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपकी फोटो जैसे आउट ऑफ फोकस हो सकती हैं। सो आपका जो फोकस पॉइंट है बिल्कुल सब्जेक्ट के फेस पर हो। सो गाइस ये है एक प्रॉप काइंड ऑफ मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको फेरी लाइट्स बोलते हैं गाइस, और ये पावर बैंक से चल जाती है। जैसे आप एक किसी डल लोकेशन में नाइट में शूट कर रहे हैं और कुछ खास आपके पास नहीं है, लाइक पीछे बैकड्रॉप जैसे कुछ अच्छा नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ खास बैकड्रॉप नहीं है मेरे पास, सो आप इसका यूज़ करके कुछ लाइक यूनिक से शॉट नाइट में क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब हम अपना पोर्ट्रेट सेशन मतलब ओवर करते हैं। अब हम चलते हैं लाइट ट्रेल्स की तरफ कि आप कैसे 200E Mark II के साथ नाइट में लाइट ट्रेल्स वगैरह या लॉन्ग एक्सपोजर आप कवर कर सकते हैं या कैप्चर कर सकते हैं। सो गाइस आ चुका हूँ मैं लाइट ट्रेल्स करने के लिए। सबसे पहले कैमरा सेटिंग्स कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ISO को 100 रखूँगा, उसके बाद फिर मैं स्पीड को 10 सेकेंड्स पे रखूँगा, और अपर्चर को मैं लाइक उससे मैं अपना करेक्ट एक्सपोजर जज करूँगा। सो देखते हैं अपर्चर मेरा यहाँ मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ तक मुझे लग रहा है वो 22 ही होने वाला है। सो और हाँ गाइज, मेन बात ये है कि मेक श्योर कि आपने अपने कैमरा का जो लेंस है उसको आपने मैनुअल मोड में डाल लिया हो। जो अब जो भी आप ये क्लिक करेंगे मैनुअल मोड में ही क्लिक करेंगे ये शॉट। सो आप जूम करके थोड़ा सा पहले एक बार फोकस कर लीजिए मैनुअली में जाके, ठीक है। उसके बाद अगर पूरी सेटिंग करने के बाद फिर देखते हैं कैसा शॉट आता है। और गाइज आप अपने कैमरा को जब भी आप क्लिक करें सो आप उसको टाइमर पे लगाना मत भूलें, क्योंकि जब आप उसको टाइमर पे लगाएंगे सो जब आप क्लिक करेंगे तो उस टाइम भी आपका कैमरा शेक नहीं होगा, सो आपको एक करेक्ट और शार्प इमेज मिलेगी। तो गाइस अब आपके माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि चलो एलईडी तो हम कोई भी लाइक सस्ती से यूज़ कर सकते हैं, अगर हम उसके अलावा कोई फ्लैश यूज़ करते हैं।
सो फ्लैश, अब मैनुअल फ्लैश तो उसके ऊपर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फ्लैश में तो सिंगल पिन है, ठीक है, और उसमें तो कोई लाइक पिन दी ही नहीं हुई है 200E Mark II में. सो उसके लिए भी मैंने एक यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं. लाइट पेंटिंग की भी मैंने वीडियो इनफैक्ट बनाई हुई है, सो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक भी कर सकते हैं. सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग.